अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी और सिंपल हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बर्तन लेंगी। मैंने यहाँ पे छोटी कढ़ाई ली है और इसमें मैं 1 चम्मच घी डालूंगी। ज़रूरी नहीं कि आप घी यूज़ करें, आप घी के जहाँ पे डालडा भी ले सकते हैं और रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी गरम हो गया है तो अब हम इसमें 3 लौंग और 3 छोटी इलायची डालेंगे। ये सारा प्रोसेस मैं मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। अब जब ये इलायची और लौंग हमारा फूल जाएगा तब हम इसमें पानी डालेंगे। तो अब ये देखिए फूल चुका है तो इसमें पानी डालेंगे। पानी की मात्रा आप अपने सूजी के हिसाब से रखिएगा जितना आपको हलवा बनाना होगा। मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। अब हम इसका उबलने का वेट करेंगे। अब यहाँ देखिए पानी उबलने लगा है तो हम इसमें शक्कर डालेंगे। 1 कटोरी से शक्कर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मतलब मेरी 1 छोटी कटोरी है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसा आपको हलवे का मीठापन चाहिए वैसा ही। अब हम सबसे पहले इसमें फूड कलर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 चुटकी फूड कलर लिया है। मैं यहाँ पे येलो कलर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और हाँ, ये एकदम ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ना कोई कलर यूज़ करें। अब मैं इसमें शक्कर डालूँगी, मतलब चीनी। अब इसको हम थोड़ा देर पकाएंगे, इसमें चाशनी नहीं लाना है, बस चीनी के गलने तक का वेट करना है। यहाँ पे हमने 1 छोटी कटोरी सूजी या रवा लिया है, इसको मैंने हल्का सा भून लिया है, मतलब सेक लिया है। और मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ काजू और बादाम लिया है। देखिए इसमें चाशनी उठानी नहीं है, मैंने इसको थोड़ा पका लिया है। अब एकदम अच्छा पक चुका है तो अभी मैं इसमें रवा डालूंगी। ऐसे चलाते हुए इसमें रवा डालना है, ध्यान रखिएगा अगर चलाएंगे नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। जब आप रवा डालेंगे तो इसको ज्यादा देर पकाना फिर नहीं रहेगा। और हाँ, सूजी एक बार में नहीं डालिएगा वरना ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा, उसको मिलाते जाइएगा। अगर आपको लगेगा कि हाँ और डालना है तभी डालिएगा। देखिए इतना बच गया है, मैंने 1 कटोरी लिया था लेकिन इतना बच गया है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक बार में सारा नहीं डालिएगा। तो इसको एकदम लो फ्लेम पे पकाना है। रवा डालते वक्त मैंने फ्लेम मीडियम रखा था। देखिए ये बस ऑलमोस्ट पकने वाला है। सूजी डालने के बाद कम से कम मैंने इसे 5 मिनट पकाया है। तो ये देखिए मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, ये एकदम अच्छा हो गया है। इसको इतने गीले पे फ्लेम बंद कर दें क्योंकि ये अभी सूख जाएगा जैसे हमको चाहिए। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा हलवा बनकर एकदम अच्छे से रेडी हो गया है खाने लायक। आप इसको पराठे पूड़ी जिससे आपको मर्जी आप उसके साथ खा सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।